जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। रोज हमारी जो कक्षा होती है शाम को 6:30 बजे, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर प्रतिदिन जो है चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल पर पर्यावरण के लगभग 200 से 250 वीडियो उपलब्ध हैं, वो जरूर देखें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, कहीं कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं सुमित जैन, ट्विटर से भी आप जुड़ सकते हैं, साथ ही अपना एक ग्रुप है टेलीग्राम पर IAS स्टडी ट्रिक सर्च करके इसमें भी एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एकमात्र जलीय कीट बक्षी पौधा है तो कौन सा है। एकमात्र जलीय कीट बक्षी पौधा जो है यूट्रिकुलेरिया, कौन सा है, यूट्रिकुलेरिया, आपको याद रख लेना है, यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। कीट बक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता, तो कौन सा तत्व नहीं होता, नाइट्रोजन, कौन सा तत्व नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता है, और एक कीट का भक्षण करके नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रख लेना, आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कीट भक्षी पादप जिसे मृदा में उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता, तो आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं, सभी ने पढ़ा है, इन्हें जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोफाइट, है ना। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहा जाता है। नमकीन तथा दलदली स्थान में उगने वाले पौधे फैलोफाइट कहलाते, क्या कहलाते, फैलोफाइट। जल में उगने वाले पौधे कहलाते हाइड्रोफाइट। आपसे सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो उत्तर होगा जीरोफाइट। जल में उगने वाले पौधे को कहा जाता है तो हाइड्रोफाइट। खरपतवार नाशी है तो कौन सा है, 2,4-D एक खरपतवार नाशक होता है, ठीक है। खरपतवार को नष्ट करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन है। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन है तो साइटोकाइनिन। कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने वाला, ये तो कई बार पूछा गया है, कच्चे फलों को पकाने वाला जो हार्मोन है वो एथिलीन कहलाता है। कृत्रिम विधि से कच्चे फलों को पकाया जाता है तो एसिटिलीन से, कैसे पकाया जाता है, एसिटिलीन से। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है, फ्लोरीजेन। फूल खिलाने वाला है फ्लोरीजेन। पादप हार्मोन नहीं है तो फाइटोक्रोम, ये पादप हार्मोन नहीं है। पत्तियों का हरा रंग होता है तो क्यों होता है, आपने देखा होगा पेड़ पौधों में जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण, सभी को पता होगा क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में धातु पाई जाती है तो कौन सी पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है क्लोरोफिल में, और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का जो हरा रंग होता है, ठीक है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो क्या है, कोशिका, ठीक है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा और गैली सेप्टिकम, ये सबसे छोटी कोशिका है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आत्मघात की थैली कौन सी है, लाइसोसोम। लाइसोसोम आत्मघात की थैली है। प्रोटीन की फैक्ट्री है तो कौन सी है, प्रोटीन की राइबोसोम, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी है, राइबोसोम। आत्मघात की थैली कौन सी है, लाइसोसोम। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का पिता है तो प्रोफेसर SR कश्यप, कौन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय ब्रायोफाइटा का विज्ञान, ब्रायोफाइटा विज्ञान का पिता कौन है, तो प्रोफेसर कौन है, SR कश्यप। आप अगर लिखते भी जाते हैं इसी प्रकार से तो और भी अच्छे से याद होता है, जो आप देख रहे हैं लिख सको तो लिखते जाओ हर एक प्रश्न का उत्तर। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो कौन है, बीरबल साहनी। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं बीरबल साहनी जी। भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, प्रोफेसर P माहेश्वरी, ये भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक तो सभी को पता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब हैं। आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं तो प्रोफेसर MOP आयंगर, ये आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक माने जाते हैं। इनको एक बार फिर से पढ़ लो, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के पिता प्रोफेसर SR कश्यप, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक बीरबल साहनी, भ्रूण विज्ञान के जनक प्रोफेसर P माहेश्वरी, ठीक है, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन साहब,
और आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक प्रोफेसर एम ओ पी आयंगर साहब। प्रमुख कृषि संस्थान देख लो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कटक में है। केंद्रीय पादप अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आपका उत्तर होगा नई दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा कटक में, ठीक है। केंद्रीय पादप अनुसंधान संस्थान कहां है, तो ये लखनऊ। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, तो मैसूर कर्नाटक में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये लखनऊ में है। इनको सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। और भी देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों में कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ठीक है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो जातियां होती हैं, जो जीव जंतुओं की जाति होती है, अलग अलग प्रजाति के जो जीव जंतु होते हैं, जो प्रजाति खतरे में होती है ना, या फिर समाप्ति की ओर होती है, उन्हें रेड डाटा बुक में डाल दिया जाता है। अब रेड डाटा बुक की जब बात आती है कि रेड डाटा बुक क्या है, तो ये रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है IUCN, ठीक है। इसके द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन होता है और इसमें खतरे में जो जीव जंतुओं की प्रजाति होती है उनको दर्शाया जाता है, इसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, ठीक है। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, क्यों होता है, कैरोटीन व कैसीन के कारण। गाय के दूध में क्या होता है, कैरोटीन व कैसीन, जिसके कारण इसका पीले सफेद रंग होता है गाय का दूध। सिनकोना पौधे की छाल का प्रयोग किया जाता है, तो मलेरिया के उपचार में। मलेरिया की जो वैक्सीन होती है वो बनती है सिनकोना के पौधे की छाल से। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाया जाता है, तो गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। हंसाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये हंसाने वाली गैस कहलाती है। मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है, तो टीकाकरण से संबंधित है। कैसे है, टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष अभियान टीकाकरण से संबंधित है। और भी देख लेते हैं दोस्तों, कुछ खेल हैं और उनसे संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं, ये भी आपसे पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि खेल और कार्य भी आपके टॉपिक पर्यावरण में है। तो हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं, तो रंगास्वामी कप है ना, मैं आपको इसकी पूरी ट्रिक बना के दूंगा कि कौन सी ट्रॉफी किससे है। फिलहाल यहां पर पढ़ो, रंगास्वामी कप ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। आगा खां कप ये भी हॉकी से संबंधित है। बेगम रसूल ट्रॉफी ये भी हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से संबंधित। और इंदिरा गांधी गोल्ड कप ये भी हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है, तो डूरंड कप है। रोवर्स कप भी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी है और मर्डेका कप है ना, ये भी कैसे है, फुटबॉल से संबंधित है। आपको याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा, सीधा सा क्वेश्चन आएगा, डूरंड कप किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है, तो किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी संबंधित है, तो क्रिकेट से है, सीके नायडू है ना ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी भी कैसे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। टेबल टेनिस जयलक्ष्मी कप संबंधित है टेबल टेनिस से। राजकुमारी चैलेंज कप ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। रामानुज ट्रॉफी ये टेबल टेनिस से संबंधित है। नारंग कप की बात करें तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। चड्डा कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। नेहरू कप बास्केटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन कप भी बास्केटबॉल से संबंधित है। एजार कप संबंधित है पोलो से। पृथ्वी पाल सिंह कप पोलो से संबंधित है। राधा मोहन कप संबंधित है पोलो से। और क्लासिक कप भी पोलो से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि सर्किट कप किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से। वाकर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से है, ठीक है। राइडर कप संबंधित है गोल्फ से। प्रिंस ऑफ वेल्स कप संबंधित है, तो गोल्फ से है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में देख। अगला है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है तो कहां पर होता है, ये होता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो
सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, और हीरा के लिए मझगवां खान जानी जाती है जो कि पन्ना जिले में स्थित है, ठीक है ना। और हीरा संग्रहालय बनाया जा रहा है कहां पर, खजुराहो में, खजुराहो में हीरा संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है। गोवा के लोग किस तेल में वनी मछली खाते हैं, तो ये खाते हैं नारियल तेल में। केरल के लोग नारियल डली हुई किसी भी प्रकार किसी भी करी के साथ उबला जो है टेपियो का खाते हैं, है ना। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई, तो जलकुंभी से ये नष्ट हुई है। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है, तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र ये परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है तो कैसा होता है, कृत्रिम होता है। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है तो फसल परितंत्र ये मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया तो ओस्लो में, कहां पर किया गया अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, ओस्लो। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है, ये पाई जाती है सुंदरबन में, ठीक है। पारिस्थितिक स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है, तो ये चिपको आंदोलन का नारा है। ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है, तो समताप मंडल में। समताप मंडल सभी को पता है कि इस मंडल को तो ओजोन मंडल के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। महासागरों में पाई जाने वाली प्रबाल भित्तियों के विरंजन का कारण है तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और दोस्तों अब आपको बताना है एक और जो प्रश्न है कि विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है, विश्व का फेफड़ा बताना है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा विश्व का फेफड़ा ब्राजील के वनों को कहा जाता है, विश्व का फेफड़ा, ठीक है, ब्राजील के वनों को। किस मैदान क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत की गई, तो वांगार। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, तो वो आता है सिक्किम। धुएं में आंख में जलन पैदा करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो अंतरिक्ष का जो रंग होगा वो कैसा होगा, काला। मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन, कैसा होगा, काला होगा। सबसे निम्न तापमान किस मंडल का होता है, तो ये होता है मध्य मंडल का। क्या, किस मंडल का होता है, मध्य मंडल का। आपने सबसे नीचे परत पड़ी होगी क्षोभ मंडल, फिर होती है समताप मंडल, फिर होती है मध्य मंडल। ये मध्य मंडल का सबसे कम तापमान होता है, मध्य मंडल का। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी वस्तुओं का पता लगाने में किस रंग, किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो वो ध्वनि तरंग का नाम है पराश्रव्य ध्वनि तरंग। क्या नाम है, पराश्रव्य ध्वनि तरंग, ठीक है। अब दोस्तों पर्यावरण शिक्षा आधारित है तो किस पर आधारित है, सभी को पता है कि आज की जो समावेशी कक्षा है, समावेशी शिक्षा जो प्रणाली चल रही है, उसमें बाल केंद्रता पर जो है ध्यान दिया जाता है, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ सुझाती है, तो क्या सुझाती है, एनसीएफ बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना, ये एनसीएफ सिखाती है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में बांटा गया है तो 6 थीमों में बांटा गया है, ठीक है। वो थीमें देखो दोस्तों, वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को 6 थीमें में बांटा गया, वो कौन कौन सी है। आपसे सीधा सा एक क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से बताइए कौन सा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों की थीमों में से नहीं है, तो आपका उत्तर होना चाहिए परिवार एवं मित्र है, भोजन है, पानी है, आवास है, यात्रा, हम चीजें कैसे सीखते हैं। आपने देखा होगा कि यही जो सिलेबस में आपको मिल जाता है कि परिवार और मित्र आपने पढ़ा, भोजन भी पढ़ा, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें, ये पाठ्यक्रम में है ना, तो आपको याद रख लेना है 6 थीमों में इनको बांटा गया है। ईबीएस संक्षेपण का अर्थ क्या है, ईबीएस संक्षेपण का अर्थ होता है दोस्तों एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। एनसीएफ 2005 सिफारिश नहीं करती, किसकी, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की सिफारिश नहीं करती, कौन, एनसीएफ 2005। कक्षा 3 से 5 तक की एनसीईआरटी की हिंदी एवं अंग्रेजी में पर्यावरण का शीर्षक क्या है, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप प्राथमिक कक्षा से संबंधित अगर हैं, प्राथमिक कक्षा से संबंधित पेपर दे रहे हैं, तो एनसीईआरटी कक्षा 3 से 5 तक की जो कक्षा है, जो पुस्तक है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हिंदी एवं अंग्रेजी में पर्यावरण का जो शीर्षक है वो आसपास, ठीक है, लुकिंग अराउंड, ये अंग्रेजी में है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, ये सिद्धांत नहीं माना जाता, ये उद्देश्य नहीं माना जाता। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पढ़ाई का प्रमुख, एक प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्राथमिक स्तर पर, तो कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय
से बाहर के जो है जीवन को जोड़ना, है ना, अपने आसपास के वातावरण के साथ जोड़ना। अब दोस्तों यहां पर कुछ दिए हैं, कुछ यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का बन जाता है, पढ़ने की अक्षमता, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, ठीक है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, अफेजिया डिसफेजिया, लिखने की अक्षमता, डिसग्राफिया, गणित सीखने की अक्षमता, डिसकैलकुलिया। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, तो पोर्टफोलियो है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं होती हैं वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिकता। जिन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग होता है कहलाते हैं मुक्त अंत वाले उत्तर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर अलग अलग होता है वो मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं, और जिन प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है वो बद्ध अंत वाले प्रश्न। आप किसी भी परिस्थिति में जाइए उन प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा। तो ये बद्ध अंत वाले प्रश्न हैं, जिनके अलग अलग हो सकते हैं वो मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। और भी देख लेते दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में प्रारंभ किया गया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001, नई शिक्षा नीति डॉक्टर कस्तूरंगन वाली 2017, महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958 में मुक्त महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति बनी है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, अवबोध का भार कम करने की जरूरत, बोझ के बिना सीखना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो शिक्षण की विधि सिद्धांत पर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित खेल विधि। कुछ प्रतीक चिन्ह है उनको भी याद करना है, कलम, कलम काय का है, संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता या अस्पताल का प्रतीक है, लाल झंडा खतरे या फिर क्रांति का प्रतीक है, काला झंडा विरोध का प्रतीक है, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, उल्टा झंडा, झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, चक्र प्रगति का प्रतीक है, लाल प्रकाश खतरा यातायात में रुकने का प्रतीक है, हरा प्रकाश यातायात को जाने का प्रतीक है, ठीक है। अब प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जिनको भी हम जानेंगे, जैसे एलिफेंटा की गुफा, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासकों द्वारा, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है, निर्माण गुप्त शासनकाल में हुआ था, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद बौद्धों के द्वारा ये हुआ था एलोरा की गुफाएं, तो अजंता एलिफेंटा एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है, इनको आपको याद रखना है, अलग अलग शासकों ने इनका निर्माण करवाया है। एकमात्र जलीय कीट भक्षी पौधा कौन सा है, तो ये तो हमने पढ़ लिया है, यूट्रिकोलेरिया, ठीक है, इसको फिर से यूट्रिकोलेरिया। ये कुछ कठिन प्रश्न थे, इनको हमें फिर से एक बार पढ़ना है। एकमात्र जलीय कीट भक्षी पौधा है यूट्रिकोलेरिया। कीट भक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता, नाइट्रोजन। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते जीरोफाइट। नमकीन तथा दलदली स्थान में उगने वाले पौधे हेलोफाइट, ठीक है। जल में उगने वाले पौधे हाइड्रोफाइट। खरपतवार नाशी है तो 2,4-D है। खरपतवार को नष्ट करने वाला हार्मोन ऑक्सिन। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक हार्मोन साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन। कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। कृत्रिम विधि से कच्चे फलों को पकाया जाता है एसिटिलीन से, कैसे, एसिटिलीन से, ठीक है। फूल खिलाने वाला हार्मोन है फ्लोरीजेन। पादप हार्मोन नहीं है तो फाइटोक्रोम है। पत्तियों का हरा रंग होता है तो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में धातु पाई जाती है तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। जीवन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो काय का है, कोशिका का। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। कोशिका का पावर हाउस तो सभी को पता है, माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। आत्मघाती की थैली लाइसोसोम है और प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कुछ सिद्धांत यहाँ पर दिए हैं, संबंधवाद का सिद्धांत थांडाइक है, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर साहब ने दिया। प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत वर्दीमर कोहलर कोपका द्वारा दिया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अलवर्ट और बंडूरा ने दिया। और क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, पावलाव ने दिया है। तो ये कुछ सिद्धांत भी हैं। आयोग और समितियां और पढ़ लेते हैं दोस्तों हम। यशपाल समिति 1992-93, ये शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, ये इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, शिक्षा बिना बोझ के, है ना। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग 1948-49, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी इसे कहा जाता है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 माना जाता है इसका राष्ट्रीय, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग।
डॉक्टर डी एस कोठारी आयोग 1964 सामाजिक उत्तरदायित्व नैतिक शिक्षा से संबंधित है, है ना। जस्टिस जे एस वर्मा समिति शिक्षकों की दक्षता की समय समय पर जांच, जस्टिस जे एस वर्मा समिति 2012। संबंध ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हमने कुछ समितियों के बारे में भी चर्चा कर ली, कुछ हमारे यहां पर सिद्धांत थे जो अधिगम से संबंधित उनको भी पढ़ लिया। अब आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा है, कमेंट के माध्यम से सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। शाम को 6:30 बजे उन टॉपिक पर चर्चा हम करते हैं पर्यावरण के जो हमारे छूट गए हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो आपके बहुविकल्पीय प्रकार के मॉक टेस्ट मॉडल पेपर भी आपको दिए हैं, वन लाइनर प्रकार के पेपर भी आपको करवाए हैं, है ना। और ये जो अपने छूट छूट के कुछ छूट रहा होगा उसमें से मैंने आपको निकाल निकाल, चाहे वो पर्वत हो, चाहे आपके दर्रा हो, चाहे आपकी झील हो, चाहे ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, आपदा प्रबंधन, इन सबसे संबंधित पर्यावरण की जब भी बात होती है तो इन सारे के सारे प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये मत लेना कि सर बाढ़ तो मेरे में सिलेबस में नहीं है, अगर पर्यावरण की जब बात होती है तो बाढ़ भी उसके अंतर्गत आएगा, भूकंप भी आएगा, ज्वालामुखी भी आएगा, और आपके मेले मेले संस्कृति से संबंधित भी आपके सिलेबस में है, तो वो भी सारी के सारे प्रश्न आने वाले हैं। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसके बारे में जो है हम आप तक वीडियो ना प्रेषित किए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करना है, प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देखना है। प्लेलिस्ट कैसे देखें, बात यहां पर आती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो जो प्लेलिस्ट आपको देखना है वो कैसे, सेल्फ स्टडी क्लासेस, नीचे आपको चैनल का नाम दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें, चैनल खुलेगा, ऊपर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और पूरी के पूरा चैनल खुलेगा, उसमें पूरी प्लेलिस्ट एक साथ आएगी, है ना। जिस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे उसके पूरे वीडियो एक साथ आपको मिलेंगे देखने को। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है तो व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, आप इंस्टाग्राम से सुमित जैन सेल्फ स्टडी सर्च कर सकते हो, फेसबुक से सुमित जैन और ट्विटर से सुमित जैन IAS स्टडी ट्रेक, ये आपको जुड़ना है टेलीग्राम ग्रुप से। वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करना है अपने मित्रों तक, अपने ग्रुप में, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद।